आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया सा सॉफ्ट स्पंजी केक, जो केवल घर की चीज़ों से ही बनेगा। इसमें मैंने न क्रीम का यूज़ किया है, न व्हिप्ड क्रीम का, न दही का और न ही मक्खन का। केवल घर की चीज़ों से हम बहुत बढ़िया सा केक बनाएंगे और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। गैस पे रखेंगे फ्राई पैन, पहले डालेंगे इसमें 1/4 कप शक्कर की और 1 कप डालेंगे दूध का। दूध मैंने फुल क्रीम वाला लिया है। अब गैस की फ्लेम हम ऑन करेंगे और लो टू मीडियम इसको उबलने देंगे। जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा तब फ्लेम हम कम करेंगे। तब तक हम जिस बर्तन में केक बनाएंगे उसको ग्रीस कर लेते हैं। तो रिफाइंड तेल डालेंगे हम बर्तन में और उसको अच्छे से तेल को लगाएंगे। तेल हमें कहीं से कम या ज़्यादा नहीं करना है। अब जहाँ से कम तेल लगेगा वहाँ केक चिपक के जल जाएगा। तो लीजिए, तेल भी हमने अच्छे से लगा दिया। मैदा लगाएंगे, मैदे को भी हमें अच्छे तरीके से लगाना है। अगर इसमें तेल और मैदा आप अच्छी तरीके से लगाएंगे तो केक निकालने में आसानी होगी, दिक्कत नहीं आएगी। तो लीजिए, मैदा भी लगा दिया। अब इसको हम बर्तन को उल्टा करेंगे, जो एक्स्ट्रा मैदा है वो निकल आएगा। तो लीजिए, बर्तन भी ग्रीस हो गया और दूध भी हमारा अच्छे से उबल गया है। अब देख लेते हैं 1 कप हुआ है कि नहीं। तो दूध को उबाल के हमें 1 कप करना था। तो लीजिए, दूध भी 1 कप हो गया है। गैस की फ्लेम हम बंद करेंगे और उसको ठंडा होने देंगे ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो लीजिए, दूध भी ठंडा हो गया। तो जिस बाउल में हम बैटर बनाएंगे उसी में डालेंगे दूध और 1/2 कप कुकिंग ऑयल का। दोस्तों, केक में हमें सरसों के तेल का यूज़ नहीं करना, कुकिंग ऑयल का यूज़ करना है। दोनों को मिक्स करेंगे ताकि दोनों चीज़ें एक सार हो जाएं। तो लीजिए, तेल और दूध भी मिक्स हो गया। अब इसके ऊपर रखेंगे छलनी और डालेंगे 1 कप मैदे का। एक भरा हुआ कप मैंने मैदे का लिया है और 1 चम्मच डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आपका एक्सपायरी डेट का ना हो, ये ज़रूर चेक कर लें। अगर एक्सपायरी डेट का होगा तो केक नहीं फूलेगा, केक बनने में दिक्कत आएगी। तो लीजिए, दोनों चीज़ें छान के हमने डाली दूध में, अब मिक्स करेंगे। तो बैटर हमें इसका न ज़्यादा थिक चाहिए न ज़्यादा पतला चाहिए, ठीक ठीक चाहिए। तो पहले बैटर को हम दूध के साथ मिक्स करेंगे, फिर ज़रूरत लगी तो दूध डालेंगे। तो बैटर थोड़ा सा थिक है तो मैं 1/2 कप दूध लिया है मैंने, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालूंगी और बैटर में मिक्स करती जाऊंगी। और केक का बैटर हमें एक ही डायरेक्शन में चलाना है, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। तो 1/2 कप मैंने 2 बार इसमें दूध डाला है और बैटर में मिक्स किया है। तो लीजिए, बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें डालेंगे हम 1/4 चम्मच वनीला एसेंस और 1/4 चम्मच फूड कलर। मैंने येलो फूड कलर लिया है, आपके पास जो भी हो फूड कलर ले सकते हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर लें। और सब चीज़ों को हम बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे एक ही डायरेक्शन में। और ये देखिए, बैटर हमारा बढ़िया सा मिक्स हो गया और एक सार हो गया। ये फ्लो में एकदम गिर रहा है तो इसका मतलब बैटर हमारा बढ़िया सा तैयार है। अब इसमें मिला लेते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट, और ड्राई फ्रूट भी हम मिक्स कर लेते हैं बैटर में। तो लीजिए, देखिए एकदम एक फ्लो में ही गिर रहा है बैटर। हमें ऐसा ही केक का बैटर चाहिए। तो लीजिए, बैटर तो हमने बना लिया। अब रखेंगे गैस पे कढ़ाई, फ्लेम रखेंगे फुल, और कढ़ाई में एक जाली या कटोरी रखेंगे। जब तक कढ़ाई गर्म होती है तब तक बैटर में डाल लेते हैं सोडा 1/4 चम्मच। खाने वाला सोडा लिया है मैंने, उसको भी मिक्स करेंगे बैटर में साथ साथ। तो लीजिए, बैटर हमारा बढ़िया सा तैयार है। अब जिस पॉट को हमने केक वाले पॉट को ग्रीस करके रखा था उसमें बैटर डालेंगे। बैटर हमें चारों तरफ से करके डालना है, एक ही तरफ से नहीं डालना, चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो लीजिए, पॉट में बैटर भी डाल लिया। दोस्तों, हमें जिस बर्तन में केक बनाना है वो ऐसा होना चाहिए कि हमारा केक वाला पॉट उसमें अच्छे से अंदर फिक्स हो जाए
कम ज़्यादा ना हो। अगर पॉट आपका छोटा बड़ा होगा तो केक नहीं बनेगा और केक बनाने में दिक्कत आएगी। इसे कोशिश यही करें कि केक वाला पॉट हमारा अच्छे से उस बर्तन में फिक्स हो जाए, तभी हम केक बनाएं। तो चलिए केक को हम गार्निश कर लेते हैं किशमिश से। आप किसी भी चीज़ से या ड्राई फ्रूट से कर सकते हैं। मेरे पास किशमिश थी तो मैंने किशमिश से किया। अब केक वाले पॉट को रखेंगे हम कढ़ाई में। कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो गई है तो 10 मिनट इसको पहले हम फुल फ्लेम पे रखेंगे और ये फूल जाएगा। फिर 10 मिनट हम और फुल फ्लेम लो टू मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और चेक करेंगे केक हमारा पक्का है कि नहीं। तो लीजिए केक अभी भी कच्चा है। तो 20 मिनट इसको मैंने रखा था गैस पे, अभी भी कच्चा है तो 10 मिनट हम उसको और रखेंगे और फ्लेम करेंगे कम। 10 मिनट हो गए देख लेते। तो लीजिए केक हमारा बिल्कुल तैयार है, सिलाई एकदम साफ निकल आई। तो 30 मिनट में दोस्तों मेरा केक बनके तैयार होगा और ये देखिए किनारे भी उसने छोड़ दिए हैं। अब इसको वापस हम ढक्कन लगाएंगे, फ्लेम बंद करेंगे, 2 मिनट बाद इसको खोलेंगे ताकि अच्छे से और सेट हो जाए। तो 2 मिनट हो गए हैं, निकाल लेते हैं कढ़ाई में से केक के बर्तन को। देखिए कितना बढ़िया सा तैयार है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा अच्छे से हो जाएगा तो बड़े आराम से निकल आएगा। तो लीजिए केक ठंडा हो गया। पहले हम इसके आराम से किनारे छुड़ाएंगे, फिर प्लेट रखेंगे बर्तन के ऊपर, फिर केक के बर्तन को करेंगे उल्टा। तो बड़े आराम से देखिए निकल आया ना, कितना बढ़िया आराम से। तो आप इसी तरीके से केक बनाएंगे तो आपका केक भी ऐसे ही बनेगा। कितना बढ़िया लग रहा है। तो लीजिए दोस्तों तैयार है बहुत बढ़िया सा सॉफ्ट स्पंजी डोनट केक। इसमें मैं ना व्हिप्ड क्रीम, न क्रीम और ना ही मक्खन, केवल एक ही चीज़ दूध से बना। इसको मैं काट के दिखाती हूँ, देखिए कितना बढ़िया कट रहा है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पंजी जालीदार केक। तो दोस्तों आप मेरी रेसिपी देखिए और इसी तरीके से केक बनाइए। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक करना।